अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टूडियो में हम MTH 101 की असाइनमेंट नंबर 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसकी ड्यू डेट हमारे पास 16 है। तो यहाँ पे हम इसकी कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, वो जल्दी से देख लेते हैं। इंस्ट्रक्शंस में है कि आपने फन स्टाइल एंड कलर जो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में दिया गया है वही आपने यूज़ करना है। मतलब ये जो मैं यहाँ पे इन्होंने फंट साइज़ मोस्टली 12 होता है वही आपने यूज़ करना है, या टाइम न्यू रोमन या जो यहाँ पे इन्होंने दिया वही आप यूज़ कीजिएगा। एंड उसके अलावा यहाँ पे कहा है कि सोल्व द असाइनमेंट ऑन MS वर्ड डॉक्यूमेंट, कि आपने ये असाइनमेंट जो MS वर्ड डॉक्यूमेंट में सॉल्व करनी है, मतलब आपने MS वर्ड में बनानी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिए गए हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन में है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टेन वन ओवर एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, गिवन डेट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो एंड एफ ऑफ एक्स इज एफ इन टू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, ठीक है, कि जहाँ पे एक्स जो है वो इक्वल टू जीरो हो। तो अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है कि चेक वेदर द गिवन फंक्शंस हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन ओवर द गिवन इंटरवल्स बाय यूजिंग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। अब यहाँ पे उन्होंने टू में यहाँ पे मतलब वैल्यूज़ दिए हैं एंड यहाँ पे हमने चेक करना है कि एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है यहाँ यहाँ पे नहीं है। तो ये हम चेक करेंगे। इसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ एंड उसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में क्या है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, एक्स टेन इंटू वन ओवर एक्स के इक्वल है, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है जब एक्स इक्वल टू जीरो हो, ठीक है। तो अब हमने चेक करना है कि एफ एस कंटिन्यूटी, ये हम आपको रूल्स दिए गए हैं कि एफ में कंटिन्यूटी कब होती है, जब एफ सी इज डिफाइंड हो एंड लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स एक्स जब अप्रोचेज टू सी हो तो एग्जिस्ट करती हो एंड ये इक्वल किसके हो, एफ ऑफ सी के, ठीक है। ये तीन अगर आपके पास मतलब तीनों फंक्शंस में हैं तो हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन जो है उसमें उसकी कंटिन्यूटी है। तो अब यहाँ पे इसको हम वन बाय वन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एफ सी मतलब एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड है या नहीं है। यहाँ पे जो एफ फंक्शन हमें यहाँ पे दिया गया है इस पर, तो यहाँ पे जहाँ पे एक्स है उस जगह पे हम क्या कर देंगे, सी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि एक्स अप्रोचेज टू सी, सो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स इन टू सी, एक्स अप्रोचेज टू सी एंड एक्स टेन वन ओवर एक्स, तो यहाँ पे एक्स आ रहा है ना एंड यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यहाँ पे सॉरी मिस्टेक हो गई है, एक्स था तो यहाँ पे सी आना था, ठीक है, एंड टेन वन ओवर एक्स है तो ये वन ओवर सी हो गया। यहाँ पे बाई मिस्टेक हो गया, मैं आपको अगेन बता देती हूँ, ये जब मैं कर रही थी तो जल्दी में मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने यहाँ पे सी लिखना था। तो यहाँ पे क्या आना था कि जब हम x की जगह c लिख रहे हैं तो यहाँ पे भी c आ जाना था एंड यहाँ पे भी c आ जाना था, तो यहाँ पे भी c आएगा, c tan 1 ओवर c। तो ये एक मिस्टेक है, ये आप लाजमी तौर पर इसको करेक्ट कर लीजिएगा। बाद में फिर आप लोग जो है कमेंट्स में पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों है, तो मैं अभी से बता रही हूँ कि ये लिखने में जल्दी में मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे c आना था, तो c tan 1 ओवर c। सो एक्स अप्रोचेज टू सी मतलब ये पॉसिबिलिटी है, ये डिफाइन हो सकता है एफ ऑफ सी। अब ये किसके इक्वल हो गया, एफ ऑफ सी के इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ सी इज़ डिफाइंड एंड लिमिट एक्स अप्रोचेज टू सी इंटू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, मतलब ये एग्जिस्ट करती है। सो ये हमारा फर्स्ट जो है कंडीशन ये कंप्लीट हो गई। दूसरी भी अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, मतलब एग्जिस्ट भी करती है लिमिट। अब थर्ड हमने चेक करना है कि लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ सी, ये इसके इक्वल है या नहीं है। सो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए पहले हम एक्स को जो है वो माइनस सी के इक्वल लेंगे, देन उसको हम प्लस सी के इक्वल लेंगे, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे एंड राइट हैंड लिमिट लेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, मतलब जो नेगेटिव में वैल्यूज़ आ रही हैं माइनस में आएंगी उनको हमने देखना है। सो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस सी, क्योंकि सी है ना यहाँ पे अप्रोचेज में आ रहा, मतलब एक्स अप्रोचेज टू सी आ रहा है। सो सी मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो माइनस में हमने लेनी थी, तो यहाँ पे सी है तो सी को हम माइनस लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू माइनस सी इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सेम वही हम लिखेंगे एंड यहाँ पे एक्स है ना तो एक्स की जगह माइनस सी आ जाएगा, माइनस सी एंड देन वन ओवर एक्स, तो वन ओवर माइनस सी। अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए तो क्या बना हमारे पास, सी टेन वन ओवर सी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी, मतलब ये एफ ऑफ सी के इक्वल है ना, यहाँ पे हमने इसको डिफाइन कर दिया है, ये सी था एंड ये मतलब पूरा फंक्शन यही बन गया। सो हम कह सकते हैं कि ये इसके इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गए हैं तो ये इसके इक्वल आ गया है। अभी हमने चेक कर लिया लेफ्ट हैंड लिमिट, अब हम देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट को। तो यहाँ पे देखें राइट हैंड लिमिट हमारे पास है, उसमें हमने एक्स पॉजिटिव लिया है, मतलब एक्स में जो नेक्स्ट वैल्यू आ रही है सी उसको हमने पॉजिटिव लिया है, तो प्लस सी यहाँ पे आएगा, एक्स अप्रोचेज टू प्लस सी, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू प्लस सी एंड सेम वही वैल्यू हमने लिख लिया है। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे सी आ गया, ये देखें ना सी आ गया, टेन इंटू वन ओवर सी आ गया, तो ये भी एफ ऑफ सी के इक्वल है जो कि हमने सबसे ऊपर जो है उसको डिफाइन कर लिया है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों जो है ये इक्वल हो गई हैं, ये देखिए हमने ऊपर डिफाइन किया ना, तो ये देखें ये भी हमारे पास क्या आ गई है,
ये मतलब इसके इक्वल आ गई एफ ऑफ सी के इक्वल, एंड ये भी हमारे पास एफ ऑफ सी के इक्वल आ गई है। सो वी कैन से दैट कि जो फंक्शन जो है इसकी कंटिन्यूटी है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल है, एंड ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, मतलब ये तीनों के अकॉर्डिंग है। सो ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूस है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि हमने यहाँ पे इसका देखना है कि इसमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन है या नहीं है जो गिवन हमें इंटरवल वैल्यूज़ दी गई हैं। तो इसमें पार्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 2x³ -5x² -10x+5, एंड इंटरवल क्या है, -1 एंड 2। तो अब यहाँ पे पहले हमने क्या -1 के लिहाज से चेक करना है, ठीक है। अब -1 यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, इधर भी x की जगह पे -1, यहाँ पे भी -1 -1। सो इधर हमने वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं, ठीक है, वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं। तो ये क्या बना हमारे पास, 2 इंटू। अब देखें जब पावर में हमारे पास ऑड नंबर आए तो वैल्यू हमारे पास जो मतलब आंसर आता है वो माइनस में आता है। अब यहाँ पे देखें पावर 2 जो है ये इवन में आ रही है ना, तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में आई है। तो ये आपने याद रखना है, अगर ऊपर इवन में ऑड में आ रही है तो वैल्यू माइनस ही रहेगी। अगर माइनस की वैल्यू और ऊपर पावर ऑड इवन में आ रही है, अगर इवन में आ रही है तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि इवन में आ रही है -1 -1 प्लस, देन फिर मल्टीप्लाई -1 तो -1 होगी। तो 2 इंटू -1 -2 होगी, 2 है ना, माइनस है ना। तो अब ये देखें 1 हो गया, -1 -1 +1, तो +1 मल्टीप्लाई 5, ये अब यहाँ पे इसको सब करेंगे तो ये माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। अब ये 10 1 -10 है +5, इसको जब हमने ऐड किया तो 15 बन गया, 15 एंड ये -7 बनता है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा। ये हमारा पार्ट वन सॉल्व हो गया फॉर -1। अब नेक्स्ट हम करते हैं 2 के लिए, 2 के लिए करना है फॉर x इजल टू 2, एंड यहाँ पे x की जगह पे हमने 2 की वैल्यू पुट कर देनी है, मतलब यहाँ पे x था 2 कर दिया, इधर भी x था 2 कर दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया, 2 2 4 4 2 4 2 8 8 2 16, ठीक है 16 हो गया, 2 2 4 4 5 20 एंड 10 2 20 एंड 5, इनको हमने ऐड किया -19 आ गया। अब ये दोनों हमने चेक कर लिए, इधर भी हमारे पास 8 वैल्यू आई, इधर भी -19 आ गई, जीरो वैल्यू नहीं आई। सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि फंक्शन हैज़ एट लीस्ट वन सोल्यूशन बिटवीन -1 इंटू 2 इंटरवल। तो इसका ए पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया है हमारा। यहाँ पे क्या है कि इसमें एटलीस्ट एक सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। अब हमने दूसरा, हमें जो फंक्शन दिया गया है उस इंटरवल में चेक करना है, पार्ट टू हमने इसका सॉल्व करना है, पार्ट बी उसमें हमें क्या इंटरवल दिया गया है, -2 एंड 0। इस पर हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखें फंक्शन हमें ये दिया गया है, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक्स की जगह पे पहले -2 पुट कर लेते हैं देन 0 करेंगे। अब -2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स इंटू एच इंटू एक्स, एक्स की जगह पे -2 आ गया, एक्स की जगह पे भी -2 आ गया, प्लस एक्स मतलब प्लस -2 -2, ये वाली वैल्यू माइनस है तो ये अंदर माइनस हमने कर लिया, -3 ये। अब यहाँ पे ऊपर इवन नंबर है तो ये 16 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई 2 से करें तो 16 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, तो -2 -3 इसको सॉल्व करेंगे तो 11 हो गया। अब एक्स इजल टू 0 जो है इसको लिहाज से हम सॉल्व करते हैं, उसको हम करेंगे तो एच इंटू एक्स इजल टू एक्स की जगह पे 0, फिर एक्स की जगह पे 0, तो ये 0 जितनी बार भी करें 0 ही आता है, 0 प्लस 0 एंड -3 ये आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -3 आ गया। मतलब यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू 0 में नहीं आई, बल्कि दोनों पे हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, इसका एटलीस्ट एक सोल्यूशन हमें मिल रहा है। सो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि फंक्शंस हैज़ एटलीस्ट वन सोल्यूशन बिटवीन इंटरवल -2 एंड 0। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन जो था उसके दोनों पार्ट्स, ये पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया, ये भी कर लिया, तो मतलब ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, एंड ये बहुत इजी था। आई होप कि आपको ये भी समझ आ गया होगा, एंड फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका सॉल्व हो गया है। तो आई होप कि वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी एंड मेरा मेथड आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाजमी फीडबैक दिया करें, आपके फीडबैक से मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलती है एंड मुझे आइडिया हो जाता है कि मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।